हेलो एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन। और आज हम लोग बहुत ही प्रतीक्षित वीडियो, जिसका है ना लोग बहुत डिमांड भी कर रहे थे कि फरवरी में कौन कौन सी वेजिटेबल्स हमको लगानी है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फरवरी की में लगाई जाने वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो ग्रीष्म ऋतु की सब्ज़ियाँ होती हैं, और सबसे पहली वेजिटेबल जो उसमें नाम याद आता है वो है लेडी फिंगर, भिंडी, ओकरा। और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ है ना हम लोगों को मिल जाती है मार्केट में, अनामिका है, वर्षा है, और है ना अर्का वाली भिंडी भी मिलती है, देसी है, हाइब्रिड है, F1 बरगंडी भी मिल जाती है, रेड वाली जो भिंडी होती है आजकल। तो भिंडी की सब्ज़ी को बहुत ही शौक से खाया जाता है गर्मी में, और हम इसको लगा सकते हैं फरवरी में, पूरी फरवरी और मार्च आधा भी लगा सकते हैं आराम से। और है ना 12 इंच का पॉट इसके लिए मिनिमम सफिशियंट होता है। इसके अलावा जो दूसरी वेजिटेबल मेन होती है गर्मियों की वो है लौकी, बॉटल गार्ड, घिया, दूधी, लाटू घिया भी होती है इसमें, राउंड वाली घिया भी होती है, लंबी भी होती है, सिलेंड्रिकल भी होती है। तो बहुत सारे इसके भी है ना सीड्स अलग अलग वेराइटीज़ के आते हैं, और आपको जो भी पसंद हो या सभी एक एक बेल आप लोग लगा सकते हैं। घिया के लिए मैं आपको लौकी के लिए ये सजेस्ट करूँगी कि आप 15 इंच और उससे बड़ा गमला ही लें, और मेरी इच्छा तो यही रहती है कि 18 इंच के पॉट में ही हमेशा आप लगाएं इसको, अच्छी है ना ऑर्गेनिक मिट्टी बना के बहुत। तो घिया को भी है ना हम लोग फरवरी से मार्च के बीच में बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वेजिटेबल आती है तुरई, नैनुआ जिसको बोलते हैं, और है ना इसमें प्लेन वाली भी आती है और धारीदार तुरई भी आती है, और इसको भी हम लोग है ना फरवरी में लगा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और इस गमले का साइज़ सारी बड़ी वेजिटेबल्स होती हैं गर्मियों की, इसलिए हम लोग 15 इंच या ऊपर रखें तो ही बेटर होता है। तो हम लोग तुरई की है ना बेल भी लगा सकते हैं, और तुरई अगर हाइब्रिड लगाएं तो बहुत अच्छी से है ना आती है पॉट्स में। सारी वेजिटेबल का ये होता है कि हाइब्रिड में थोड़ी सी हम लोगों को ज़्यादा है ना सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं। तो इस तुरई को भी अपन लगा सकते हैं फरवरी में, पूरा फरवरी लगा सकते हैं। इसके अलावा देखो तरबूज, वाटरमेलन, बहुत सारे लोगों को है ना ये शिकायत रहती है कि हम लोग किचन गार्डन में जैसे टेरेस गार्डन में नहीं उगा पाते तरबूज। तो मैं लास्ट 2 ईयर से है ना 2 साल से है ना तरबूज अपनी छत पे उगा रही हूँ, और है ना 18 इंच के पॉट में उगा रही हूँ, और बहुत अच्छा तरबूज हुआ है। सॉरी ये देखो ये सारी जो पिक्स मैं दिखा रही हूँ मेरे हार्वेस्टिंग की मैंने इसमें डाली हैं सब पिक्स। तो तरबूज पिछले साल बहुत ही बढ़िया हुआ था, और ये 18 इंच के पॉट में था मेरा। या फिर आप ग्रो बेड में सब्जियाँ लगाएं, ग्रो बेड मतलब जो साइज़ में चौड़े होते हैं, तो बड़ी बेलों की है ना जो जड़ें हैं उनको फैलने में आसानी रहती है। इसके अलावा देखो खरबूजा, मस्कमेलन, कंटोला, ये सब ये भी लगा सकते हैं हम लोग फरवरी में, और ये भी मेरे है ना छत पे पिछले 3 साल से अच्छे खरबूज हो रहे हैं। और मेरी सारी वेजिटेबल्स मोस्टली 18 इंच या उससे ऊपर के पॉट्स में होती हैं या फिर ग्रो बेड्स में होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बड़ी बड़ी सब्ज़ियाँ होती हैं गर्मियों की ज़्यादातर, तो हम लोग है ना बड़े पॉट्स में जगह दें उनको। छोटे पॉट में रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता, फिर आप लोग कहते हैं कि फ्रूट्स हमारे बन नहीं पा रहे बड़े, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। 18 इंच के पॉट का सॉल्यूशन एक ये होता है कि है ना अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हो रहा है तो आप कोई बड़ा सा कट्टा ले लीजिए, बहुत ही ईजी काम होता है। फिर ये कि बड़ा सा कट्टा लिया, उसमें अपनी मिट्टी तैयार करी हुई भरी और उसमें ग्रो कर लीजिए। नहीं मिलता अगर बड़ा पॉट आपको तो ये बहुत ज़रूरी है। देखो ये भी एक वेराइटी थी जो बिफोर लास्ट ईयर मेरे पास थी, और खरबूजा बड़े अच्छे से होता है। तो मैं यही सलाह दूंगी आपको, ये सारी बड़ी वेजिटेबल 18 इंच या उससे बड़े है ना पॉट्स में ही आप लोग लगाएं। इसके अलावा कद्दू बिल्कुल बुआई होगी फरवरी में, और बहुत अच्छे से चलता है टेरेस पे। मैं पिछले 3-4 साल से कद्दू लगा रही हूँ, और हर बार मेरे पास 5-7 कद्दू उतरते हैं एक बेल से। और देखो आप बहुत ही अच्छे से, ये सब मेरी ही हार्वेस्ट की हुई है ना, मैं फ़ोटोज़ आपको दिखा रही हूँ इसमें। तो कद्दू को भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं, ग्रो बेड में बहुत अच्छा कद्दू ग्रो होता है। 2 ईंट का भी अगर आपने बनाया हुआ है ना तो उसमें भी 2-3 ईंट का उसमें भी लग जाता है कद्दू आराम से, अगर आपके पास बड़े पॉट्स या कट्टा तो फिर ऑप्शन है ही। इसके अलावा बैंगन को भी हम लोग साल में 2-3 बार लगा सकते हैं, और इस बार फरवरी में भी लगा सकते हैं हम आराम से। तो बैंगन भी है ना लंबा वाला आता है, पर्पल, गोल वाला आता है, मोटा, सफ़ेद वाले आते हैं, दोनों तरह के बड़ी वेराइटीज़ होती हैं बैंगन में भी। और ये देखो आपको मैं बिफ़ोर लास्ट ईयर का मेरा बैंगन दिखाती हूँ, बहुत खाते नहीं हमारी, ये ब्लैक ब्यूटी वाला जो बीज होता है ना वो बहुत अच्छा निकलता है। तो इसमें भी बहुत ढेर सारी वेराइटीज़ आती है। आजकल किचन गार्डनिंग करना आसान इसीलिए हो गया है कि एक एक है ना सब्ज़ी की कई कई वेराइटीज़ आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं, और जो भी आपके पास अच्छे से चल जाए बस आप उसको बरसों तक ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत है ना अच्छी चीज़ है आजकल। और इसके अलावा देखो खीरा,
क्यूकम्बर को बिल्कुल है ना फरवरी में लगा सकते हैं और बड़ी जल्दी से 45 दिन में ही आपको है ना फ्रूट देने लग जाएगा। देसी भी लगा सकते हैं, इंग्लिश अमेरिकन ब्लैक वाला लगा सकते हैं, इसके अलावा जुकनी भी हम लोग लगा सकते हैं। जुकनी क्योंकि मैं पहली बार लगाऊंगी इसलिए उसका कोई पिक नहीं है मेरे पास, मैंने सब ये अपनी हार्वेस्टिंग का ही डाला है पिक इसमें, तो है ना जुकनी को भी आप है ना ग्रो कर सकते हैं, अभी बिल्कुल लगा सकते हैं। येलो वाली भी होती है, राउंड ग्रीन भी होती है, लंबी भी होती है, सब तरह की होती है जुकनी भी, और खीरा भी कई वेराइटीज़ में आपको मिल जाता है। और पॉट साइज इसमें भी आप लोग 15 इंच या उससे बड़ा ही रखें। इसके अलावा लोबिया चौला की फली, वैसे तो बारिश का सीज़न होता है इसका, अभी नहीं होता है इस गर्मियों का सीज़न, पर फिर भी ये जो फरवरी से और मई तक का जो मौसम होता है ना, अप्रैल लास्ट तक का, इसमें है ना बड़ी जल्दी ग्रो हो जाती है और बड़ी अच्छी सी है ना हार्वेस्टिंग होती है। मेरे पास थी पिछले साल इसलिए मैं इसको अभी भी लगा सकते हैं। हम अरबी का जो है ना बीज होता है या अरबी को हम लोग अभी गाड़ के रख सकते हैं बिल्कुल, थोड़ा बहुत मौसम में अगर किसी किसी के चेंज होता है तो ये जब भी इसका है ना सीज़न होता है अपने आप ये फूट आती है, तो अभी भी हम अभी से लगाना शुरू कर सकते हैं, अप्रैल तक है ना आराम से है ना लगाते हैं। और पिछली बार तो मैंने बारिश में भी ग्रो की थी अरबी। इसके अलावा करेला देखिए, करेला बहुत ही है ना मेन वेजिटेबल होती है गर्मी की, इसको भी फरवरी में हम आराम से लगा सकते हैं। पॉट साइज़ 15 इंच और उससे बड़ा ही रखें, और है ना मिट्टी अच्छी ऑर्गेनिक बनाएं। इसमें भी झालरी वाला करेला आता है, देसी F1 हाइब्रिड सब तरह की है ना वेराइटीज़ मिल जाती हैं। इसके अलावा कैप्सिकम को भी हम अभी भी फरवरी में भी लगा सकते हैं, शिमला मिर्च को, और शिमला मिर्च का बीज जो है घरेलू जो शिमला मिर्च आई हुई होती है उससे भी लग जाता है कई बार, तो ये उसी से ग्रो किया हुआ मेरा शिमला मिर्च है। और है ना रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर सब में आप लगा सकते हैं। तो शिमला मिर्च को भी है ना इस सीज़न में दोबारा है ना बोया जा सकता है। और ये देखिए एक ये वैरायटी भी आती है जो टमाटर जैसी है ना शिमला मिर्च मिलती है गोल गोल उसमें, तो ये भी आप लगा सकते हैं। वैरायटीज़ का तो मैं कह रही हूँ ना, आप हर वैरायटी की सीड्स है ना मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई सा भी लेके रखें अपने शॉप एक ढूंढ के रखें। हरी मिर्च को दोबारा हम लोग इस बार फरवरी में भी ग्रो कर सकते हैं, तो आप लगा लीजिए हरी मिर्च भी, अगर आपको शौक़ है तो हरी मिर्च लगाने का भी। और इसमें तो ढेर सारी वैरायटीज़ मिल जाती है, टमाटर और हरी मिर्च की तो वैरायटीज़ का कोई है ना आर पार ही नहीं होता है, इतनी वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में, और जो भी आपको ठीक लगे वो आप बढ़िया से उसके ना बीज खरीद सकते हैं क्वालिटी का। और ग्वारफली को देखो आप फरवरी लास्ट से हम लोग लगाना शुरू करें तो बेटर होता है, क्योंकि ग्वारफली थोड़ी सी हल्की गर्मी मांगती है तभी है ना अच्छे से ग्रो होती है, तो लगा तो फरवरी में ही देते हैं पर मार्च तक भी है ना आराम से ग्वारफली को लगाया जा सकता है और बहुत अच्छी इसकी हार्वेस्टिंग होती है। टमाटर को ग्रीष्म ऋतु के जो भी सीड्स आते हैं अलग से आते हैं इसके, तो है ना कोशिश यही करें कि वही लें, तो उसमें क्या है ये थोड़ा सा थोड़ी तेज़ गर्मी होने लगती है जब भी झेल जाते हैं, और मेरी टेरेस पे तो ये मई तक बस आधे मई तक ही है ना फ्रूटिंग होती है टमाटर की, उसके बाद बहुत तेज़ गर्मी होती है तो नहीं बनता। अगर आप बचा के रख सकें गर्मी से तो है ना ज़रूर लगा लें। और ये देखिए ककड़ी, हमारे यहाँ तो बहुत मेन चीज़ होती है राजस्थान में, तो ये तर ककड़ी बोलते हैं इसको लंबी वाली, और ये बहुत अच्छी होती है गर्मियों में, बिल्कुल हाइड्रेट करके रखती है आपको, तो ककड़ी को भी ज़रूर लगाएं अपने ना किचन गार्डन में। इसके अलावा पालक देखो आप अप्रैल और आदि मई तक बहुत अच्छे से चलता रहता है, जब तक बहुत तेज़ गर्मी नहीं आती तो पालक को दोबारा लगा सकते हैं। अभी तो धनिया भी एक बार और आप लगा सकते हैं, और अभी मूली भी आप एक बार और लगा सकते हैं क्योंकि 45-50 डेज़ में तैयार हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने किचन गार्डन में गर्मियों में इन सारी सब्जियों को है ना जगह देंगे और बहुत अच्छे से है ना इनकी हार्वेस्टिंग लेंगे। मिट्टी बिल्कुल अच्छी ऑर्गेनिक तैयार कीजिए आप लोग, और है ना फिर वेजिटेबल्स ग्रो करिए, साइज़ पॉट का बड़ा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।